पाठण के पेपर सेकंड में हम आचार्य अजय प्रसाद द्वारा लिखित कुटज निबंध पर बातचीत कर रहे हैं। कुटज हिमालय की पहाड़ियों में उगने वाला एक छोटा सा पौधा है, जिसके रूप गुण और विशेषताओं के आधार पर द्विवेदी जी ने मनुष्य के स्वभाव और उसके विभिन्न पहलुओं पर सार्थक टिप्पणी की है। मनुष्य के स्वभाव और कुटज पौधे की समानता को स्थापित करते हुए एक विविध रूप से इन्होंने इस ललित निबंध को आयाम प्रस्तुत किया है। ललित निबंध है जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का दर्शन होता है, साथ ही साथ द्विवेदी जी के बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है कि इन्होंने संस्कृत साहित्य, अपभ्रंश, बांग्ला, हिंदी आदि भाषाओं पर इनका जो अधिकार था उसका इसमें सार्थक उल्लेख हुआ है। भाषा शास्त्री होने के नाते यह कुटज की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक कहते हैं और अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि गिरिकूट पर्वत पर उत्पन्न होने के कारण इसका नाम कुटज पड़ा। इस प्रमुख भावभूमि के साथ कुटज किस प्रकार से कठोर पाषाण की रूखी सूखी रेती पर अपने आप को पुष्पित पल्लवित करता है और उस पाषाण के नीचे से भी वह अपने रसधार प्राप्त करता है और स्वयं को आगे बढ़ाता है, उगाता है और पुष्पों से सुसज्जित यह पौधा मनुष्य को आकर्षित करता है। और उसी प्रकार अपराजेय जीवनी शक्ति का परिचय यहाँ दिया गया है और लेखक यही कहते हैं कि मनुष्य को भी कभी न हार मानने वाली उस जीवनी शक्ति के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी वह सफलता प्राप्त कर सकता है और जीवन के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से मनुष्य के उस स्वभाव का पूर्ण रूप से चित्रण किया है कि किस प्रकार से दुख में दुख और सुख में सुखी होने से कुछ नहीं होता। मन के आधार पर यदि हम सुख मानते हैं तो हम सुखी हैं और यदि हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं मन से तो हम सदैव दुखी रहेंगे। इस भावभूमि पर लेखक इस निबंध को ले जाते हैं जहाँ मानवतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से कुटज पौधे को लेकर के मनुष्य के स्वभाव के साथ उसकी समानता स्थापित की गई है। तो हमने पढ़ा था कि कुटज जो निबंध है उसमें उनके नाम उत्पत्ति आदि की शास्त्रीय धारणाओं के साथ साथ उसे जीवंत रूप प्रदान किया है और उसे एक नवीन व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है और कुटज पौधा न होकर जहाँ व्यक्ति के रूप में रूपांतरित होता प्रतीत होता है और पाठक स्वयं भी उसमें रसमग्न हो जाता है। कुटज पेड़ का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि यह टिंगे से है, शानदार दरख्त, गर्मी की मार खाकर भूख प्यास की निरंतर चोट सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। यानी कि कुटज की जड़ें जो काफी गहरी हैं, पाषाण की छाती के नीचे से जो रस खींच लेती है, यह उसकी जीजी विशा का ही प्रमाण है कि किस प्रकार कठोर जमीन से भी वह अपने लिए रसधार खींच लेती है। यानी कि जीवन जीने की इच्छा है और उसी प्रकार से संघर्षरत मनुष्य कठिन परिस्थितियों के सामने आकर भी हंसता मुस्कुराता यदि वह रहता है तो वह भी उसकी जीजी विशा का ही प्रमाण है। तो निबंध में अपराजेय जीवनी शक्ति और जीजी विशा इन दोनों ही भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है कि संघर्षरत रहते हुए सदैव हंसना और मुस्कुराना मनुष्य का स्वभाव है और यह कुटज पौधा भी हमें यही सीख देता है। आचार्य द्विवेदी जी कुटज की कठिन जीवनी शक्ति की प्रशंसा करते हैं। कठिन
जीवनी शक्ति की प्रशंसा करते हैं जो तमाम विपदा और कठिनाइयों के बावजूद भी जी रहा है और इतना ही नहीं मुस्कुरा भी रहा है व्याख्या भी करते हैं। लिख लीजिए आप सभी इसमें किन चीजों का वर्णन किया गया है। इसके कारण ही आनंद और जीवन भी इस कारण समझ लीजिए इसे विधि कि आचार्य द्विवेदी जी कुटज पौधे की कठिन जीवनी शक्ति की प्रशंसा करते हैं। किस प्रकार से कि वह पाषाण कठोर पाषाण की सूखी रेती से में भी अपने लिए रसदार खींच लेता है जो तमाम विपदा और कठिनाइयों के बावजूद भी जी रहा है। अनेक अनेक परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां सामने आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन फिर भी वह क्या है, जी रहा है और जी ही नहीं रहा, मुस्कुरा भी रहा है। और यहां मनुष्य को भी प्रेरणा दी है कि चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आए, आप मुस्कुराइए। आपकी मुस्कुराहट से वह विपदाएं कुछ कम हो जाएंगी, लेकिन यदि आप रोते रोते उन विपदाओं और कठिनाइयों का सामना करेंगे तो वह बाधाएं और भी ज्यादा बड़ी आपको दिखाई देंगी। तो विपदाएं और कठिनाइयां जब सामने आती है तो मनुष्य को भी मुस्कुराने की ही प्रेरणा दी है। इस प्रकार कुटज के माध्यम से वह मनुष्य की अपराजेय जीवनी शक्ति की व्याख्या करते हैं। कभी न हारने वाली, कभी हार न मानने वाली जीवनी शक्ति की व्याख्या की जाती है और इस कारण ही आनंद और जीवन यह दोनों साथ साथ चलते हैं। जीवन है, कठिनाइयां हैं और आनंद भी है। मनुष्य जीवन जी रहा है, इधर साथ साथ आनंद भी चल रहा है और कठिनाइयां भी चल रही हैं, परिस्थितियां भी चल रही हैं। और उन सभी के साथ साथ मनुष्य यदि हंसता मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता है तो उसका जीवन सार्थक है और संघर्ष
सृष्टि के हित के लिए कोई निकट आता तो भय के मारे अकबरा नहीं हो जाता।
की लड़ी नहीं पहनता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। मनुष्य के स्वभाव के साथ जब कुटच की समानता स्थापित की तो वर्तमान मनुष्य में जो कमियां हैं उन्हें भी दृष्टिगत किया गया है, उन पर भी टिप्पणी की गई है जो कि यथार्थ रूप में परिचित होती है कि वह किसी के द्वार पर भीग नहीं जाता। कर्म करो, निष्काम करो, प्रेरणा कोई निकट आ जाए तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, यानी कि विपरीत परिस्थिति आती है तो डर नहीं जाता, भय नहीं है उसे, निर्भय होकर वह कर्म करता है। नीतियों धर्म का उपदेश नहीं देता करता, केवल उपदेश नहीं देता, वह अपने आप में स्वयं में मस्त रहने वाला पौधा है। और इसी प्रकार से वर्तमान मनुष्य को भी संदेश दिया है कि केवल नीति और धर्म के उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, अपने जीवन में उन उपदेशों को ग्रहण करने से ही जीवन सफल होगा। और अपनी उन्नति के लिए सब के जूते नहीं चाटता, चापलूसी नहीं करता, वह अपनी अपराजेय शक्ति का परिचय देता है। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, बाहरी दिखावा ढोंग उसे नहीं आता, लेकिन वर्तमान मनुष्य ढोंग, चापलूसी, भय, कुंठा, निराशा इन सभी से व्याप्त हो चुका है। दांत नहीं निकोड़ता और बगले नहीं झांकता, अपनी गलती को स्वीकार करता है लेकिन यहां बगले झांकने लगता है, यानी क्या गलत हो गया। वह जीता है और शान से जीता है, इज्जत के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ वह जीवित रहता है। तो यहाँ मनुष्य की जो कमियां हैं वर्तमान मनुष्य की, उसे इंगित करते हुए कवि लेखक कहते हैं कि वर्तमान मनुष्य केवल चापलूसी, ढोंग, दिखावा इनका जीवन जी रहा है जो कि कुटज में नहीं है। कुटज के अनुसार यदि मनुष्य का जीवन हो जाए तो यह जीवन भी बदल जाए। मनुष्य संघर्ष करता है, अपनी अपराजेय शक्ति का परिचय देता है, लेकिन ढोंग, दिखावा, चापलूसी की जिंदगी में वह अपना सब कुछ नष्ट भी कर लेता है, अपने अंदर जितनी भी प्रतिभा को वह खो देता है। तो लेखक ने यहाँ ढोंग, चापलूसी, दिखावा, बाह्य आडंबरों का यहाँ विरोध किया है कि आडंबर करने से अच्छा है अपने हृदय में उस संघर्ष की भावना को जिंदा रखना। जीता है और शाम से काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, आगे पूछते हैं काहे वास्ते, किस उद्देश्य से। कि ऐसा क्यों है कि मैं शान से खड़ा है और वर्तमान मनुष्य केवल ढोंग और दिखावे की जिंदगी जी रहा है। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो इन सब दुर्भावनाओं से परे हैं और शान से जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन औरों के लिए लगा रहे हैं, स्वार्थ से परे होकर समष्टि के हित का कार्य कर रहे हैं। और इस उद्देश्य से है, समष्टि के हित के कार्य के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। कोई नहीं जानता मगर कुछ बड़ी बात है,
समष्टि के हित के लिए कार्य करने की बात है और यही जीवन का सत्य बतलाया है कि मनुष्य भी यदि स्वार्थ के दायरे से बाहर आ जाएगा, दिखावे और चापलूसी की जिंदगी से बाहर आ जाएगी। चापलूसी क्यों करता है? स्वार्थ के लिए करता है, अपनी उन्नति के लिए करता है, दिखावा कर रहा है स्वार्थ के वशीभूत होकर के। उससे यदि बाहर आ जाए तो उसका जीवन भी उद्देश्यों से परिपूर्ण होगा, समष्टि के हित के लिए वह कार्य करेगा और जीवन जीना सत्य हो जाएगा। चुनौतियाँ, विपदाएं, कष्ट, उन सभी को हंसते हंसते स्वीकार करें और कुछ भी हो जाए हार मत मानो। गिरकर उठने में तेरी जीत है। यदि गिरकर के तुम अपने आप को बेबस, बेचारा, लाचार, हारा हुआ मान लोगे तो जीवन का सत्य कहीं दूर चला जाएगा, सफलता बहुत दूर चली जाएगी। और उस बात को कुटज पौधे के माध्यम से बताया है कि वह उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ मनुष्य को यही संदेश देता है कि हर चुनौती को स्वीकार करो और कुछ भी हो जाए हार मत मानो। कुछ भी हो जाए हार स्वीकार करो। पराजय जीवनी शक्ति का परिचय दीजिए और घुटज का पौधा उस रूप में मनुष्य को यही संदेश देता है कि स्वार्थ के दायरे से बाहर आकर के समष्टि के हित के लिए कार्य करोगे तो तुम प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करते हुए, हार न मानते हुए जीवन में सफल हो जाओगे। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी कई मान्यताएं रखते हैं। इस निबंध के माध्यम से लेखक कई मान्यताएं रखते हैं। वह कहते हैं सुख और दुख, वह कहते हैं सुख और दुख, सुख और दुख मन के विकल्प हैं। सुख और दुख मन के विकल्प हैं। मन की इच्छा पर निर्भर है कि आप सुखी हैं या दुखी हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, सुखी वह है जिसका मन वश में है। संतों ने भी यही बात कही है, कबीरदास जी ने भी यही बात कही है कि मन को नियंत्रण में रखेंगे तो जीवन सफल होगा और सुख की प्राप्ति होगी। सुखी वह है जिसका मन वश में है और दुखी वह है जिसका मन पर वश नहीं है।
वर्ष वश नहीं है। तो यहाँ मनुष्य के स्वभाव के साथ साथ जीवन के वास्तविक सत्य से भी परिचित कराया है और कहते हैं कि सुख और दुख ये क्या है, मन की धारणाएं हैं, मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, क्योंकि तो मन चंचल है, भिन्न भिन्न वस्तुओं में वह भटकता रहता है। यदि हमने मन को वश में कर लिया तो हम सुखी हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि दुखी वह है जिसका मन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, मन पर कोई वश नहीं रहता है, कि वही होता है। राइट डाउन कर लीजिए इसे, इसकी समरी है ये।
हित के लिए और मन को नियंत्रण में रखते हुए जीवन जीना चाहिए। और जैसा कि वे साहित्य का लक्ष्य मनुष्य को मानते हैं, मनुष्यता के उच्चतम आदर्शों की उच्चतम आदर्श क्या है? स्वार्थ से परे हटकर के समष्टि के लिए हित के लिए कार्य करना। तो मनुष्यता के उच्चतम आदर्शों की सिद्धि को मानते हैं। लेखक मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए कुटच के माध्यम से उन्होंने मनुष्य के स्वभाव, उसके जीवन, उसके संघर्ष और उसके भविष्य के बारे में बहुत सारी बातों पर टिप्पणी की है। और कुटच की अंतर वस्तु में मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्यता के उच्चतम आदर्शों की सिद्धि को ही वे मानते हैं कि उच्चतम आदर्श को लेकर के अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति को लेकर के सुख और दुख के अनुकूल कार्य करते हुए विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।